सर्वाइकल का जो पेन है ये अवॉइड करने पर काफी बढ़ सकता है। अगर आप सर्वाइकल के पेशेंट हैं और समय पर आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, एक्सरसाइजेज आप नहीं करते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत तेजी के साथ बढ़ सकती है। ये प्रॉब्लम आपकी गर्दन से स्टार्ट होकर के आपके कंधों में आ सकती है, कंधे के बाद में ये प्रॉब्लम आपके दोनों हाथों में आ सकती है। अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल प्रैक्टिस आउट ऑफ 100 60% पेशेंट के अंदर सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, 40% पेशेंट्स के अंदर सर्वाइकल की प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि वो लोग टाइम पर ट्रीटमेंट कराते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल काफी डिफरेंट होता है, या फिर वो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिनकी वजह से उनकी डिसीज आगे की तरफ नहीं बढ़ती है। और जिन लोगों की सर्वाइकल आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है, उन लोगों के कंधे एक तरीके से जाम हो जाते हैं, उनके हाथ में शार्प पेन होना शुरू हो जाता है, जैसे किसी ने हाथ जकड़ रखा है, कंधे को जकड़ रखा है, बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं, हाथ के अंदर टिंगलिंग और नंबनेस महसूस होने लगती है, ऐसा लगता है जैसे हाथ हमारा सुन है, हाथ में हमारे चीटियां चल रही हैं, कोई सुइयां चुभा रहा है, इस तरीके से पेशेंट को फील होना शुरू हो जाता है। तो आपको सर्वाइकल का ट्रीटमेंट टाइम पर कराना चाहिए और सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम को आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि चैनल की सबसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।